माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारी ज़ैबरा पिंच देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये वाइट वाली हमारी फीमेल माशाल्लाह से, वो दूसरा वाला हमारा पुराना मेल। और माशाल्लाह से दोस्तों गुड न्यूज़ पता है क्या है, ये देखें माशाल्लाह पहला अंडा आ चुका है दोस्तों। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बात हो चुकी है दोस्तों, मैंने नेस्ट रखा था तो ये देखें माशाल्लाह से इन्होंने नेस्टिंग करके जल्दी से इन्होंने अपने अंडे भी स्टार्ट कर दिए हैं। सुभान अल्लाह यार दोस्तों, इधर से भी दिखाता हूँ आपको, इधर से मैंने देखा सुबह मैंने कहा ये क्या नज़र आ रहा है, माशाल्लाह से देखा तो अंडा वो देखे इधर से माशाल्लाह से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मैंने जो है ना, गर्मी भी आ चुकी है तो बॉक्स जो था ना वो मैंने इनका उठा दिया है, अब मैंने रख दिया है। ये मटकी पहले की लगी हुई है तो माशाल्लाह से ये देखे इन्होंने दोबारा से इसमें जो है ना अपना नेस्ट बना के ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बात है यार। और आपने वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और वीडियो में और एक अच्छा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लाजमी आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुंच सके। और यार दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट करें माशाल्लाह से, अच्छी से अच्छी कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। ये देखिए माशाल्लाह, और मेरा चैनल अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ये देखे माशाल्लाह से बैठ गया जाके यार, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, ये चीज़ देखने वाली होती है माशाल्लाह से दोस्तों। सुभान अल्लाह कैसे छोटा सा अपना घर बना के बैठ गए हैं, अब आराम से बैठ चुका है। और उम्मीद है कि माशाल्लाह से ये कितने अंडे देंगे, ये मैक्सिमम तो 5 अंडे तो देते ही देते हैं, तो माशाल्लाह से अभी इस दफ़ा देखते हैं। और पहले तो हमारे बहुत सारे दोस्तों अंडे ज़ाया हो चुके हैं जिसका मैं बेहद अफसोस है, और इस दफ़ा अल्लाह करे कि यार हमारे जो है ना ये खैर करिए से। ये देखिए माशाल्लाह से, और इसके अंदर वो मैंने रखे थे मुर्गियों के पार जो थे ना और टूटे हुए पार, वो मैं ऊपर से उठा के लाया और वो मैंने इधर रखे हैं, तो इन्होंने उठा के ना अपने वो मटकी के अंदर रखनी है ताकि नरम नरम जगह लगे ना इनको। माशाल्लाह बड़े समझदार हैं ये तो। ये देखिए माशाल्लाह, और दोस्तों आपको इसके साथ तो मैंने मिलवाया नहीं है, देखिए ये जंगली फाकता का जो है ना बच्चा माशाल्लाह से, ये पता नहीं कहाँ से आया है और ये इधर मुझे मिल गया है, तो मैंने इसको फ़िलहाल अपने पास रखा हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं माशाल्लाह से, अब तो काफ़ी बड़ा भी हो रहा है, तो इसको दोस्तों हम आज़ाद कर देंगे जब ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा है, और तो इसका शायद ना अभी फ़िलहाल ये डायमंड अब जितना आता है, तो पहले तो मुझे यही लगा कि शायद ये डायमंड हुआ है, पर ये वो नहीं है, ये जंगली फाकता जो होती है ना ये उसका बच्चा है। तो दोस्तों जब ये बड़ा हो जाएगा ना हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको आज़ाद कर देंगे, ठीक है, हम इसको तंग नहीं करेंगे, इसलिए नहीं अभी छोड़ रहा, मैंने कहा भी बच्चा है तो ऐसी किसी शिकारी का चढ़ जाएगा तो फायदा कोई नहीं है। ये देखें